तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आपको आज साइड पे ही लेके चलता हूँ जहाँ IP3 कैमरे इंस्टॉल होने हैं। तो वहाँ की वायरिंग चल रही है अपनी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ वायर कैसे कैसे डाला हूँ मैं। ये अभी ना भाई क्लिपिंग कर रहा है वायरिंग विधिवत तरीके से एकदम। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ दो वायर गए हैं, ज्वेलरी शॉप पे लगना है। देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी वायर निकाला हूँ एक। यहाँ पे डोम कैमरा इंस्टॉल होना है और इस साइड भी डोम कैमरा इंस्टॉल होना है। तो अपन दो कैमरे में पूरे दुकान को कवर करके दिखाएंगे। और आप ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा तो आपको भी IP कैमरे कैसे इंस्टॉल होता है ये पता चल जाएगा एक ही वीडियो में। आपको बार बार वीडियो देखना या वो नहीं पता चलेगा। तो अपन NVR पे हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर लेते हैं। यह CP+ का है NVR, इसका मॉडल सीरियल नंबर। तो इसका अपन इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको क्या क्या करना है, क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बात करना है। अपन NVR पे हार्ड डिस्क लगा लेते हैं। इसके साथ ये AC सीरीज है, माउस और हेडाप्टर मिलता है एक 12 वोल्ट का, जो तो हर DVR NVR पे मिलता ही है। तो इसमें भी देखने को मिल जाता है ये, प्लस डाटा साटा केबल मिलता है। ये अपना 2 TB हार्ड डिस्क लगा रहे हैं इसमें। ये लैपटॉप वाला हार्ड डिस्क है, इससे क्या रहता है ये हार्ड डिस्क हीट कम होता है, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं ताकि हार्ड डिस्क जल्दी ख़राब ना हो। पैक करते हैं जी, देख सकते हैं। इसके बाद अपन RJ6 कैड वायर पे RJ45 कनेक्टर लगा के पंचिंग करके दिखाएंगे किस तरह से करना है। ऐसे लंबा ही छीलना ताकि मतलब दिक्कत ना हो। इसको विधिवत तरीके से फोल्ड करके इसको काट देना है आपको खींच के। जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा विधिवत तरीके से पंचिंग होगा। अच्छा, ये हो गया। इसको अच्छे से जितना ज़्यादा सीधा कर सकते हैं ना, एक एक करके भी सीधा करेंगे ताकि जैसे कोई वायर आगे पीछे रह जाता है, फिर बैकलाइट टेस्टर पे भी टेस्ट करने से नहीं पता चलता, फिर आपको बार बार कनेक्टर चेंज करना पड़ता है। ऐसे जितना सीधा कर सकते हैं आप उसको स्ट्रेट इनको फिर एक एक करें वो करिएगा। अब एक एक करके भी इनको विधिवत तरीके से सीधा करना है। और जैसे विधिवत तरीके से कलर कोड भी रहता है इसका, अगर बिना कलर कोड के भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हर चीज़ में मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ये इसको पूरा ओपन कर लेते हैं सीधे, इसके बाद इसको दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं कनेक्टर। एक ही वीडियो में आप पूरे IP कैमरे का इंस्टॉलेशन सीख जाएंगे। आपको वीडियो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पूरा बता दूंगा IP कैमरे कैसे इंस्टॉल होते हैं। ये इसको जितना ज़्यादा स्ट्रेट कर सको ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, बार बार कटिंग करके कनेक्टर चेंज करने की आवश्यकता ना हो, इसलिए अपन विधिवत तरीके से कर रहे हैं इसका। ये इन सबको बराबर करना है, फिर सीरियल TY देख सकते हो किस तरह एकदम सीधा रखना है। वीडियो थोड़ा ऊपर हो गया, इसके बाद अपन इसको बराबर करके दिखा रहा हूँ। शायद मेरा वीडियो जो बनाता है वो ऊपर कर दिया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये हो गया सीधा, ये एकदम। फिर इसको आप बराबर कटिंग करना है, तो इसको विधिवत तरीके से बराबर करके क्या है, देखिए समय लगता है लेकिन काम भी प्रॉपर करना है आपको। एकदम बराबर, ये बराबर हो गए चारों छो वायर। अब कनेक्टर कैसे कनेक्ट करना है ये देखिएगा, ये कनेक्टर हुआ। ये इसको कनेक्ट करना, इसको इंस्टॉल पंचिंग करना बहुत ईजी है। ये हो गए पूरे कलर बाई कलर, इसको ईजिली इसमें इंस्टॉल कर देना। ये हो गया। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कनेक्टर मतलब चेक करने वाला, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरे अंदर तक उसको करते हैं। दिखना चाहिए वायर ऊपर से, फिर उसके बाद पंचिंग करेंगे जैसे ये जितना ज़्यादा कर सकें, ताकि हर एक वायर छयों के छः वायर आठ वायर अंदर तक जाए। ये इसके बाद इसमें पंचिंग में लगा के पंच कर दी, कट से आवाज़ आता है, पंचिंग हो गया। ये अब ये फिक्स हो गया है। इसके बाद इसी तरह अपन ने सभी वायर लगा ली। ये NVR ओपन किए, इसको दिखा देते हैं। कैमरा मैंने डायरेक्ट
छोटे छोटे केबल से पहले ऑन करके आईपी वो करके दिखा देता हूँ आपको, पूरी दिखा देता हूँ किस तरह इसको ऐड करना है कैमरा। जैसे ये है ऑनलाइन है सब, ये डिलीट किया मैं, ठीक। जैसे आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, इसमें सर्च डिवाइस पे करेंगे तो यहाँ सारे कैमरे आ गए हैं आईपी के साथ। आईपी आपको सीरियलिटी से रखना है, जैसे 150 51 52 53 ऐसे 250 241 इस बीच में रखेंगे तो आपका जो कैमरा रहेगा आईपी मिसमैच नहीं करेगा और सीरियलिटी नंबर से आएगा। फिर इसके बाद अपन ये तीनों अपने कैमरे ऑन हो गए हैं, अब इसके बाद अपन साइड पे जाके कैमरे चला के दिखाएंगे। क्लियरिटी दिखा रहा हूँ भैया को कि इस तरह आएगा भैया क्लियरिटी। इसके बाद अपन ने क्या क्या किया है, ये पीओ स्विच है जिसमें तीन वो लगाया हूँ, एक अपलिंग एक डी एन वी आर में गया है। इसके बाद ये चार वायर हैं, इनको अपन कनेक्ट करेंगे साइड पे। एक एक्स्ट्रा वायर डाला है जिसमें भविष्य में कैमरा ऐड हो जाएगा। ये अपना साइड पे कैमरा इंस्टॉल होने लग गया। कैमरा इंस्टॉल हो गया एक साइड, ये दूसरे साइड भी अपन इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट मॉनिटर के पास ले चलते हैं। ये है बुलेट कैमरा जो बाहर इंस्टॉल होना है, 2 MP का है आईपी। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा रहता है ये। दो स्क्रू काफ़ी, ये स्क्रीन पे ये तीनों के चारों कैमरे, तीनों कैमरे ऐड हो गए हैं। ये सेटअप है इसका, अभी इसको ऊपर